शुक्रवार को नगर निगम की गाड़ी में मिले गौमांस के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ता मानस भवन के पास बैठे धरने में नगर निगम के कर्मचारियों की गिरफ्तारी की मांग। शुक्रवार की शाम सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कोष्टा के समीप नगर निगम के ट्रैक्टर में करीब 3 बोरी गौमांस मिला था, जिसके बाद जमकर हंगामा मचा। पुलिस ने ट्रैक्टर सहित 2 कर्मचारियों को पकड़कर थाने ले आई। गौमांस के मामले में शनिवार को बजरंग दल के कार्यकर्ता मानस भवन के बगल में बने कचरा डंपिंग पॉइंट के बाहर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि यह गौमांस यहीं के नगर निगम की गाड़ियों में ले जाया जाता है। उन्होंने नगर निगम के कर्मचारियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इस तरह से कल गौवंश बाईपास में हमने पकड़ा हुआ गौवंश जहां काटा जा रहा था वह नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत आता है। नगर निगम द्वारा वह प्लांट को चलाया जाता है और जिस जगह में आज हम अनशन पर बैठे हुए हैं इस जगह से नगर निगम द्वारा कचड़े को स्टोर करके वहाँ ले जाया जाता है। यहीं से गौवंश भी सप्लाई किया जाता है। तो हमारी यह मांग है कि जिस जगह में ऐसे प्रतिबंधित जो भी कर्मचारी हैं उन्हें तुरंत निलंबित किया जाए। इसमें 3 कर्मचारियों के नाम आ रहे हैं जिसमें बुद्धसेन पटेल जो प्रभारी हैं, रंजीत पटेल जो इसके प्रभारी हैं, इन 2 लोगों का नाम जिन व्यक्तियों को कल हमने पकड़ा उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि बुद्धसेन पटेल द्वारा यह माल मंगवाया गया था।